एक स्टॉक होता क्या और एक शेयर होता क्या। तो स्टॉक इज नथिंग बट अ पीस ऑफ अ बिजनेस। स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट 1600s में हॉलैंड के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो रिलायंस में 50% जो ओनरशिप है वो प्रमोटर के पास है, माने मुकेश अंबानी के पास। आज सेंसेक्स की जो वैल्यू है वो 56,000, तो माने सेंसेक्स ऑलमोस्ट 560 टाइम्स ऊपर जा चुके अपने टाइम होराइजन में, जब से वो 1979 से स्टार्ट हुआ। तो मेरा नाम है शमोहित अरोड़ा एंड मैं पिछले 8 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर हूँ एंड मैं लोगों को स्टॉक मार्केट बारे में पढ़ाता भी हूँ, साथ साथ हम डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं उनको एनालाइज भी करते हैं। तो आज हम जोश मनी के ऊपर ये सारी बातें करेंगे कि आप एक स्टॉक मार्केट के बेसिक्स कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं और आप बेसिक्स समझना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएँ। तो पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक स्टॉक होता क्या और एक शेयर होता क्या। तो स्टॉक इज नथिंग बट अ पीस ऑफ अ बिजनेस। तो जब हम वैसे ही स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट 1600s में हॉलैंड के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो हॉलैंड के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर्म हुई थी एंड जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है उसके डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते थे। अब क्योंकि एक कंपनी के डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं, उनको कहीं पर ट्रेड भी करना होगा, तो उस ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया था। तो सिमिलरली अगर आप दिल्ली के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे खान मार्केट है, तो खान मार्केट क्या करती है कि खान मार्केट में बहुत तरीके के सेलर्स हैं, जैसे बहुत सारे दुकानदार हैं एंड बहुत तरीके के बायर्स आते हैं, तो खान मार्केट भी एक तरीके की एक्सचेंज का काम करती है। तो सिमिलरली इंडिया में भी आज दो ही एक्सचेंजेस हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कंट्री की ओल्डेस्ट एक्सचेंज है एंड दूसरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एंड इन दो फ्लैगशिप एक्सचेंजेस के दो फ्लैगशिप इंडेक्सेस हैं। तो कौन कौन से दो इंडेक्सेस हैं? तो BSE का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी। तो जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं या निफ्टी की बात करते हैं, तो सेंसेक्स इज द टॉप 30 कंपनीज ऑफ द कंट्री, वेयर जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी इंक्लूड्स द टॉप 50 कंपनीज ऑफ द कंट्री। तो टॉप 30 और टॉप 50 किसके बेसिस पे डिसाइड होती है? ये डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे रिटेल निवेशक का एक सबसे बड़ा भ्रम क्या है मार्केट के अंदर, कि आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर किसी कंपनी का प्राइस 20 रुपये है और किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपये है, तो 20 रुपये वाली कंपनी 100 रुपये वाली कंपनी से सस्ती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। तो पहले आप मार्केट कैप का फॉर्मूला देखिए। तो मार्केट कैप अगर आपको किसी भी कंपनी का कैलकुलेट करना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू प्राइस पर स्टॉक। सपोज करते हैं अगर आपका एक पिज्जा है एंड पिज्जा के 4 हिस्से हैं। अब 4 हिस्से में से अगर 3 हिस्से आप ओन करते हैं, आप कंपनी के प्रमोटर हैं, बाकी एक हिस्सा क्या है कि मार्केट में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं। मार्केट में आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, जब LIC की बात करते हैं, तो दोज आर एग्जांपल्स ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर आप FIIs की बात करते हैं, जो बाहर के पेंशन फंड्स हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम FIIs कहते हैं। फिर आपके और मेरे जैसे रिटेल निवेशक होते हैं। तो मार्केट में जब इंडेक्सेस बनते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे बनते हैं। इसका सिंपली क्या मतलब है कि जैसे एक पिज्जा के 4 हिस्से हैं और एक हिस्सा 25 रुपये का है, तो उस कंपनी के अगर 3 स्लाइसेस प्रमोटर के पास हैं, मानिए आप कंपनी के मालिक हैं और आपके पास वो 3 स्लाइस आप ओन करते हैं एंड एक ही स्लाइस पब्लिक में या फिर जो मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है, तो उस कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 25 रुपये के हिसाब से होगा। तो उसके बेसिस पे कंपनीज सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर एंटर करती हैं, यहाँ वहाँ से निकाली जाती हैं। जिन भी कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैप बढ़ते जाता है उन कंपनीज को सेंसेक्स और निफ्टी में इंक्लूड करा जाता है एंड जिन कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन घटते जाते हैं या जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जिनके मुनाफे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती, तो उन कंपनीज को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो जैसे अगर आप रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो रिलायंस में आज 50% जो ओनरशिप है वो प्रमोटर के पास है, माने मुकेश अंबानी के पास। बाकी जो 50% ओनरशिप है उसका ही हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर आज रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 से 15 लाख करोड़ के बीच में, तो 50% उसमें से प्रमोटर के पास है, जो बाकी 50% पब्लिक के अंदर ट्रेड हो सकता है या उसमें बाइंग और सेलिंग हो सकती है। दैट इज हाउ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड। तो उसके बेसिस पे कंपनीज निफ्टी या सेंसेक्स में इंक्लूड करी जाती हैं। अब निफ्टी और सेंसेक्स एक तरीके की इंडियन क्रिकेट टीम की तरह है। तो निफ्टी के अंदर जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं वो उसका पार्ट बनती है और सेंसेक्स में इंडिया के जो टॉप 30 क्रिकेटर्स या टॉप 30 कंपनीज हैं वो उसका पार्ट बनती है। एंड यहाँ पे भी क्या होता है कि जो क्रिकेटर्स या जो कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाती हैं, तो वो निफ्टी और सेंसेक्स का ज़्यादा बड़ा पार्ट बन जाती है। जैसे रिलायंस काफ़ी सालों से, आई थिंक रिलायंस एक ऐसी ही लौती कंपनी है इंडिया में जो पिछले 25 साल से हर साल निफ्टी और सेंसेक्स का पार्ट है एंड हर साल ये टॉप 5 के अंदर आई है।
आज भी अगर आप रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं तो रिलायंस का ऑलमोस्ट 11.5% वेट है इंडेक्स के अंदर, अगर आप निफ्टी की बात करते हैं। एंड यहाँ पे इसको समझना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो कंपनीज खराब करती हैं, तो जब अगर निफ्टी या सेंसेक्स को देखते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स एक तरीके का इकोनॉमी का बैरोमीटर है, या जो पूरी मार्केट्स है उसका बैरोमीटर है। तो पर्पस क्या है कि अगर रिलायंस इकोनॉमी का ज़्यादा बड़ा हिस्से बनता जा रहा है तो निफ्टी का भी वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा बनते जाएगा। अगर HDFC बैंक इकोनॉमी का ज़्यादा बड़ा हिस्से बनते जा रहे हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स का भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा बनते जाएगा। एंड अगर आज आप सेक्टोरल कॉम्पोजिशन देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर, तो निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 37% फाइनेंशियल्स हैं, 15% IT है, फिर बाकी भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर हैं, मीडिया सेक्टर भी आता है, फिर निफ्टी की रिप्रेजेंटेशन में पेंट सेक्टर भी आता है, फिर एडिसिव सेक्टर्स भी आते हैं। तो एशियन पेंट्स का आप देख सकते हैं, एशियन पेंट्स भी निफ्टी इंडेक्स का आज पार्ट है। सो ऐसे करते करते जो इंडिया की टॉप 50 बेस्ट कंपनीज हैं, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द निफ्टी 50 इंडेक्स। एंड सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज हैं, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द सेंसेक्स। सेंसेक्स जब स्टार्ट हुआ था तो सेंसेक्स की जो वैल्यू थी या जो मात्रा भाव था सेंसेक्स का, वो 100 रुपये के हिसाब से था। आज सेंसेक्स की जो वैल्यू है वो 56,000, तो माने सेंसेक्स ऑलमोस्ट 560 टाइम्स ऊपर जा चुके हैं अपने टाइम होराइजन में, जब से वो 1979 से स्टार्ट हुए। अगर आप इसका पूरा रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो सेंसेक्स ने आज तक 17% CAGR का रिटर्न दिया है, जिसने आपके गोल्ड के रिटर्न को भी बीट करा है, जिसने आपके FD के रिटर्न को भी बीट करा है, एंड जिसने काफ़ी जगह आपके रियल इस्टेट के रिटर्न को भी बीट करा है। क्योंकि सेंसेक्स में आप क्या कर रहे हैं, अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी को देख रहे हैं, अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप इंडिया के टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज को बाय कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं भी करते पर आपकी लाइफ फिर भी इनसे इम्पैक्ट होती है, यहाँ पे क्या सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की TCS में जॉब लगने लग जाती है, या इंडिया के IT सेक्टर के अंदर बूम आते हैं, तो माने TCS के जो मुनाफे हैं वो बढ़ते जाएंगे, TCS के मुनाफे बढ़ रहे हैं तो TCS का शेयर प्राइस भी बढ़ते जाएगा। TCS क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी का पार्ट है तो एट दी एंड सेंसेक्स और निफ्टी भी उससे बढ़ने लगेंगे। तो आपकी पूरी लाइफ भी, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपकी पूरी लाइफ भी सेंसेक्स और निफ्टी से कहीं ना कहीं ज़रूर कनेक्टेड है। एंड एट दी एंड सेंसेक्स और निफ्टी का ये लॉन्ग रन में 15-17% का रिटर्न क्यों रहा है, इसके पीछे भी बहुत एक सरल रीज़न है या सिंपल रीज़न है। क्या सिंपल रीज़न बैठते हैं कि अगर आज आप एक कॉरपोरेट हैं, अगर आप एक बिजनेस हाउस हैं, एंड आप अगर बैंक से जाके बोरो करते हैं तो आपको 8-10% पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 8-10% पे बोरो करते हैं एंड अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाते जहाँ पे आप 20% कमा सकते हैं, तब तक आप वो प्रोजेक्ट लगाने ही नहीं वाले। तो इंडिया की जो टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज हैं, वो जानबूझ के ही ऐसे प्रोजेक्ट लिया जाते हैं जहाँ पे एटलीस्ट 15-20% उनका रिटर्न बन पाए। इसलिए लंबे समय में सेंसेक्स और निफ्टी में भी इतना ही रिटर्न बैठा है। तो आपको सिंपली मार्केट्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास इनकम का फैमिली हाउस होल्डर है, उसका सबसे बड़ा एनिमी आज क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने महंगाई। महंगाई हर साल इंडिया में 6-60% से बढ़ते रहती है, एंड ये पिछले 30 साल से इस रेट पे बढ़ रही है। अगर आप फॉर्च्यूनर गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, तो जब फॉर्च्यूनर गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे 17-18 lakhs की थी, फिर आज आप फॉर्च्यूनर का एग्जांपल लेते हैं तो 36-40 lakh रुपीज़ की है। सिमिलरली अगर आप आईफोन का एग्जांपल लेते हैं, तो आईफोन जब लॉन्च हुआ था तब 40,000-35,000 रुपये का आता था, आज सिमिलरली एक बेसिक आईफोन भी 60-70,000 रुपये का आता है। सिमिलरली अगर आप मूवी टिकट के प्राइसेस का एग्जांपल लेते हैं, तो एक टाइम पे मूवी टिकट के प्राइसेस 100 रुपये के होते थे या 125 रुपये के होते थे, आज सेम जो मूवी की टिकट के प्राइसेस हैं 250-300 या 400-400 रुपये तक के भी मूवी का टिकट आती है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ मान के ज़रूर चलिए कि महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई को बीट करने के लिए इक्विटी इज़ द परफेक्ट एसेट क्लास, क्योंकि इक्विटी का रिटर्न अगर लंबे समय में रियल एस्टेट या फिर FD या फिर बाकी चीज़ों से ज़्यादा नहीं हुआ तो इंडियन बिजनेसेस ही नहीं कुछ कर पाएंगे। क्योंकि एट दी एंड जब आप एक शेयर ले रहे हैं या जब आप निफ्टी या सेंसेक्स में जा रहे हैं, तो आप कंट्री की इकॉनमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप कंट्री की इकॉनमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका क्या बिलीफ है कि लॉन्ग रन में कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, कि मिडिल क्लास जो इंडिया में आज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कि इंडिया आज इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड और यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द मतलब वर्ल्ड है आज, तो इंडिया में जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंडिया में कंपनीज के जो मुनाफे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। कंपनी के मुनाफे बढ़ेंगे तो उनका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो एट दी एंड निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बढ़ेंगे। इस वजह से आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, एंड इस वजह से हर एक इंडियन का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर डाल गई आप एटलीस्ट इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो हम लोग पूरे स्टॉक मार्केट और बिजनेस एनालिसिस को हमारे चैनल पे भी सिंप्लीफाई करते हैं,
जिसका नाम है स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग या SOIC। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जोश मनी को भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।